नमस्कार, यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसके तहत इंडियन इकोनॉमी का ये पांचवा लेक्चर है। इंडियन इकोनॉमी के चार लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको यूपीपीसीएस प्री 2020 क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस क्रैश कोर्स से जुड़े हुए जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं वो एक क्रम से जोड़े जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुद्रा स्फीति के बारे में। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हैं, उसे और पक्का आप अगर करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स बनाया है। और इस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी कैसी है ये आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने एक डेमो टेस्ट की पीडीएफ भी जारी की है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो सकती है, या फिर अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके हमारे मोबाइल ऐप डिकोड एग्जाम को डाउनलोड करके साइन अप करके टेस्ट के सेक्शन में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी वो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, ठीक प्रकार से उसे समझें। अगर आपको पसंद आए कि नहीं हमने ठीक काम किया है, आपको ज्वाइन करना है, तो आप उसी मोबाइल ऐप से ज्वाइन का एक बटन आपको दिखेगा, वहां से पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। या फिर अगर ये पूरी प्रक्रिया आप नहीं कर पा रहे हैं तो ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख करके ये जो दो नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं इस पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, रीफ्लेशन और स्टेगफ्लेशन के बारे में। तो एक एक करके सबको हम समझेंगे। धैर्यपूर्वक मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए समझते हुए आप चलिए, एक एक चीजों को मैं प्रयास करूंगा कि आपको ठीक प्रकार से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि सबकी परिभाषा दो दो लाइनों में लिखी गई है और बहुत ही शॉर्ट में हमने परिभाषा लिखी है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली परिभाषा है और बीच बीच में हमने कोड वर्ड का भी प्रयोग किया है ताकि आप लंबे समय तक चीजों को याद कर सके। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो ये क्या है? तो वह अवस्था जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि और मुद्रा के क्रय शक्ति में गिरावट देखी जाती है। तो जब वस्तु और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीज होगा तो निश्चित रूप से जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। जो मनी की परचेसिंग पावर है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी, ठीक है। तो ये जो अवस्था है इसे ही हम मुद्रा स्फीति कहते हैं कि जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए और मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो? कम हो जाए। एक उदाहरण से इसे हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि मई के महीने में 100 रुपए केजी प्याज मार्केट में बिक रही है। मैं गया और मैंने 100 रुपए दिया और 1 केजी प्याज खरीद करके मैं आ गया। अब जून महीने में क्या पता चला कि जून महीने में प्याज की कीमत 120 रुपए केजी हो गई। प्याज की कीमत कितनी हो गई? 120 रुपए केजी हो गई। मई में कितनी थी? 100 रुपए केजी हो गई। लेकिन जून में जब मैं 100 रुपए लेकर के जाऊंगा, मई में मैं लेकर के गया तो 1 केजी प्याज मिले क्योंकि प्याज का मूल्य 100 रुपए था केजी। लेकिन जब मैं जून में गया तो प्याज की कीमत कितनी हो गई? 120 रुपए हो गई। तो मुझे बताइए कि अब मैं मुझे 100 रुपए में क्या 1 केजी प्याज मिलेगी या कम मिलेगी? तो इसका मतलब है कि जो 100 रुपए की वैल्यू थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। मई महीने में 100 रुपए मेरे पास जो था वो 1 केजी प्याज खरीद सकता था, लेकिन वही 100 रुपए की नोट जून में 1 केजी प्याज खरीदने में समर्थ नहीं है। यानी उसका जो वैल्यूएशन है, जो
₹100 की क्रय शक्ति है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, अब वो कम प्याज खरीद सकता है ₹100, ठीक है, और प्याज के मूल्य में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई, ये इन्फ्लेशन है। अगर इसे हम में बेहद शॉर्ट में समझना हो, केवल दो तीन शब्दों में हमें समझना हो, तो हमें बस इतना याद रखना है कि अधिक मुद्रा कम खरीदारी, अधिक मुद्रा कम खरीदारी, यानी जैसे जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा वैसे वैसे मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होगी और वस्तु और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होगी। तो मुद्रा के क्रय शक्ति में कमी होने का मतलब है कि ज्यादा मुद्रा कम चीजों को खरीद पाएगी, ठीक है, सीधी सी बात है। अब इन्फ्लेशन मतलब सीधे सीधे महंगाई की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि अधिक मुद्रा कम खरीदारी, मुद्रा का जो क्रय शक्ति है उसका घट जाना और वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाना, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये मुद्रा स्फीति किन किन कारणों से होती है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति किन किन कारणों से होती है, इसे हम एक प्रकार से समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। तो इसको तीन प्रकार से हम जो है कैटराइज करते हैं। पहला, मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद हम बात करते हैं लागत जन्य मुद्रा स्फीति यानी कास्ट पुश इन्फ्लेशन, और फिर जो है वैश्विक कारणों से इन्फ्लेशन जो होता है, मुद्रा स्फीति होती है, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरू करना चाहेंगे मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। अब इसमें हमने जो है कई चीजों को लिया है। तो सबसे पहले तो है कि आय में वृद्धि हो जाए, ठीक है। देखिए, अब लोगों की आय में वृद्धि हो जाए, जैसे पिछले दिनों हम जानते हैं कि 7वां वेतन आयोग लागू हुआ भारत में। अब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो उसने क्या किया कि काफी इंक्रीज कर दिया लोगों की सैलरी को, ठीक है, पूरा जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए इंप्लाई हैं उनकी सैलरी बढ़ गई। अब ये बहुत बड़े वर्ग में है, तो ये क्या हुआ, आय में उनके वृद्धि हो गई। और जब आय में वृद्धि होती है, इनकम किसी की बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इनकम जब किसी की बढ़ती है तो उसके डिमांड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो उसे और अधिक चीजों की जरूरत होने लगती है, ठीक है। तो अब जो कूलर में सोता है वो एसी में सोने लगेगा, जो बाइक से चलता है वो कार में घूमने लगेगा, जो महीने में एक बार रेस्टोरेंट में जाता है वो महीने में 4 बार रेस्टोरेंट में जाने लगेगा, जो रोज 1 लीटर दूध घर में मंगाता है वो 2 लीटर मंगाने लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें और चाहिए, ठीक है। तो जब किसी की भी इनकम बढ़ेगी तो उसे और अधिक चाहिए ही चाहिए। आय बढ़ेगी आपकी तो आपका खर्च भी बढ़ेगा, यह सीधा सीधा फार्मूला है। अब इकोनॉमी में, और खास करके हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इन सब बातों को समझ रहे हैं, तो अब होता क्या है कि इनकम बढ़ गई लोगों की, अब लोगों ने डिमांड करना शुरू किया, मांग करना शुरू किया, और पता चला कि सप्लाई जो साइड है वो उसको मीट ही नहीं कर पा रही, डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही सप्लाई। और जब किसी वस्तु की डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो तो क्या होता है, मूल्य बढ़ता है, ये सीधी सी समझ में आने वाली बात हो। और जब किसी वस्तु की डिमांड नहीं हो और सप्लाई अधिक हो, या डिमांड कम हो सप्लाई अधिक हो, तो क्या होता है, मूल्य गिरता है, ये सीधी सी बात समझ में आने वाली है। तो अब डिमांड तो काफी क्रिएट हो गई लेकिन सप्लाई है नहीं, और जब सप्लाई नहीं है और डिमांड अधिक है तो सीधे सीधे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, यानी महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये पहला है कि आय में अगर लोगों की वृद्धि हो जाए तो लोग तुरंत कहना शुरू करेंगे हमें और चाहिए, और हमें और चाहिए को अगर सप्लाई मीट न कर पाए
तो इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, और जनसंख्या का दबाव। तो हम जैसे भारत को जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़े जनसंख्या वाला देश है, 135-40 करोड़। अब 2021 में होगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन इतने तो हो ही गए होंगे, इतने लोग यहां पर निवास करते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या जब है, जब लोग हैं, तो लोग क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं। इसीलिए ना पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो भारत की तरफ देख रही है, सारे देश ये चाहते हैं कि वो भारत को एक बाजार के रूप में प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि हमारे यहां इतनी जनसंख्या है, और अधिक जनसंख्या क्या का क्या मतलब है कि डिमांड का अधिक क्रिएट होना, ठीक है। तो जितने लोग हैं उन्हें बेसिक चीजें चाहिए ही, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। तो जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक होने का सीधे सीधे क्या मतलब है कि मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, और जब मांग में लगातार वृद्धि हो रही है और सप्लाई साइड कमजोर है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात, इसके अलावा सरकारी व्यय में वृद्धि, ठीक है। तो सरकारी व्यय में वृद्धि का क्या अर्थ है, सरकारी व्यय में वृद्धि का अर्थ है कि जनता के हाथ में अधिक रुपया पहुंचना, ठीक है। तो अब मनरेगा की योजना चल रही है, मनरेगा अंततः क्या कर रहा है कि आम जनता के हाथ में अधिक पैसा पहुंचा रहा है। विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ऐसे करके तमाम पेंशन योजनाएं सरकारों के द्वारा संचालित की जा रही है। ये क्या कर रहा है, ये इकोनॉमी में नीचे लोगों के हाथों में पैसा पहुंचा रहा है, और जब ये लोगों के हाथों में पैसा पहुंचा रहा है तो पैसा पहुंचते ही, इनकम होते ही क्या होगा, डिमांड जनरेट होगी। जिसके पास पैसा होगा वो उसे खर्च भी करेगा, और जब वो खर्च करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, डिमांड करेगा। तो जनता के हाथ में अधिक रुपए का पहुंचना, इससे भी इन्फ्लेशन होता है। इसके अलावा क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था, ठीक है। तो देश का बजट क्या है, घाटे में है। मान लीजिए भारत का बजट तो हमेशा घाटे में ही रहता है, सरप्लस में तो हम होते नहीं है। तो अगर बजट घाटे का है तो इसे कैसे पूरा किया जाएगा, या तो इसे अतिरिक्त नोट छाप कर पूरा किया जाएगा या फिर उधार लेकर। तो अगर बजट घाटे का है, हमारी इनकम उतनी नहीं है जितना कि हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारी कमाई उतनी नहीं है जितना कि हमारा खर्च है, तो जाहिर सी बात है कि खर्च को पाटने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है पैसा चाहिए। इसे हम कैसे लेंगे पैसे को, तो या तो हम जो है देश के अंदर से पैसे को खींचें, या फिर हम बाहर के देशों से उधार लें, एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम नोट छाप दें, तो जितनी कमी है उसे हम नोट छाप करके पूरा कर लें, यह तरीका है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे तो इस पर बड़े विस्तार से हम बात करेंगे। तो या तो हम बाहर के देशों से, बाहरी संस्थाओं से लोन लें, या फिर हम नोट छाप करके ही इस घाटे को पूरा कर लें, ठीक है। अब ये दोनों काम अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, दोनों काम करने से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो यहां प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, आप सीधे सीधे नोट छाप दिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और केवल नोट बढ़ रही है, कभी कभी आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि जब मशीन से ही नोट छापना है तो नोट क्यों नहीं छाप दिया जाता है और सबको अमीर बना दिया जाता है ना। ये तो बहुत सहज समझ में आने वाली बात है कि भैया जब नोट छाप करके ही मशीन से नोट छापा जाता है और नोट से ही सारी चीजें मिलती हैं, यानी मनी से, मुद्रा से, तो क्यों नहीं खूब सरकारें नोट छाप देती हैं और सबको अमीर बना देती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर यह है कि जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का एक वैल्यूएशन होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, इकोनॉमी में मनी का भी फ्लो होता है। अब जब हम मनी ज्यादा छाप देंगे तो वो बस इतना ही करेगा कि मनी का वैल्यूएशन कम होने लगेगा। तो अगर 100 रुपए में 1 केजी प्याज मिलती थी और खूब आपने नोट छाप दिया तो वो 500 रुपए केजी होगी। मतलब कुल मिला के बात वही हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बढ़ जाएगा अगर पैसे का फ्लो ज्यादा है तो, ठीक है, यही बात है।
तो इससे क्या होगा, अगर आप अतिरिक्त नोट छाप लेंगे तो या लोन ले लेंगे बाहर के देशों से, तो इससे क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि मुद्रा की आपूर्ति अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रा स्फीति को वो जन्म देगा। मुद्रा की आपूर्ति जब बढ़ेगी किसी भी इकोनॉमी में, जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है यानी मनी की सप्लाई बढ़ती है, तो मनी का जो परचेसिंग पावर है वो गिरता है। मनी सप्लाई बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि परचेसिंग पावर का गिरना मनी के, ठीक है। और मनी का परचेसिंग पावर गिरने का सीधा सा मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज का मूल्य बढ़ जाना, ठीक है। तो ये होगा घाटे की वित्तीय व्यवस्था, इसके वजह से इन्फ्लेशन होता है, मुद्रा स्फीति होती है। अगला अनियमित आपूर्ति, तो भारत की अगर बात करें तो यहां बाढ़, सूखा, जमाखोरी, औद्योगिक उत्पादन में कमी आदि, ये सब जो है मुख्य लक्षण है भारतीय इकोनॉमी के। तो अब क्या हुआ कि बाढ़ आ गया, फसल अच्छी नहीं हुई, एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है ठीक नहीं कर पा रहा है। सूखा हो गया, नहीं हुआ उत्पादन। अब जब उत्पादन नहीं हुआ और डिमांड आपकी है, एक सर्टेन डिमांड है ना देश में, और उत्पादन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो सप्लाई क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। डिमांड प्रोडक्शन ही नहीं है तो सप्लाई कहां से होगी, ठीक है। और जब डिमांड है सप्लाई उससे कम है तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी यानी इन्फ्लेशन होगा। यही बात जमाखोरी के साथ है, यही बात उद्योग उत्पादन में कमी के साथ है। इसके अलावा क्या है, आयातों पर नियंत्रण, ठीक है। तो अगर आयात में कमी कर दिया जाए तो कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे देश में होती ही नहीं है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा मामला आपने देखा, इसी वर्ष के प्याज के मूल्य काफी बढ़ गए, बाहरी देशों से आयात करना पड़ा, ठीक है। तो आयात करके हमने क्या किया कि सप्लाई को मीट करने का प्रयास किया, लेकिन अगर आप आयात पर में कमी कर देते हैं और वो गुड्स आपके कंट्री में है नहीं तो उसकी कीमत बढ़ेगी, घरेलू बाजार में मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, कीमत में वृद्धि होगी। इसके अलावा बैंकों द्वारा अधिक ऋण वितरण, तो बैंक अगर काफी ज्यादा लोन दे देंगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में तरलता बढ़ जाएगी, मनी का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, जनता के हाथ में अधिक मुद्रा, और जब जनता के हाथ में अधिक मुद्रा है तो जनता अधिक डिमांड भी करेगी, और वो पूरी कहानी। तो ये बात हमने किया मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति की, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें लागत जन्य मुद्रा स्फीति, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब ये है, अगर पिछले लेक्चर आपने देखे हो तो, अगर जो प्रोडक्शन में फैक्टर्स लगे हुए हैं, क्या प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, तो प्रोडक्शन का फैक्टर्स है कि भाई भूमि है उसका रेंट देना है, लैंड है उसका रेंट देना है, सैलरी वेजेस देना है, कच्चा माल खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। तो अगर जो उत्पादन के फैक्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, उनका ही मूल्य बढ़ जाए, ठीक है, तो फाइनल जो गुड्स प्रोड्यूस होगा उसका भी मूल्य बढ़ जाएगा। ये मार्कर है, इसे बनाने में कुल 15 रुपए लगता है, सब चीजें इसको बनाने वाले जो लोग हैं उनको सैलरी वेजेस देने में सारा जो खर्च लगेगा इसे बनाने में, उसको मिला के ये 15 रुपए का मार्कर तैयार होता है। मार्केट में आते आते ये 20 रुपए का हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि इसको बनाने का खर्च अब 20 रुपए हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये मार्केट में 25 रुपए में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट को बनाने के जो फैक्टर्स हैं, जो उसकी लागत है, वही अगर इंक्रीज हो जाए तो फाइनल गुड्स भी का मूल्य भी इंक्रीज करेगा। तो ये लागत जन्य की बात हो रही है। जैसे मजदूरी में वृद्धि हो जाए, तो अगर मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी तो मूल्य बढ़ेगा। अगर करों में वृद्धि हो जाए, अब सरकार कहे कि नहीं भाई मार्कर पर हम पहले 12% लगाते थे, अब 28% लगाएंगे, तो भी होगा। उसके अलावा बुनियादी ढांचागत बाधाएं, जैसे इसमें अगर आप समझेंगे तो 2-3 चीजें, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गई,
ये क्या है, इनका मूल्य अगर बढ़ता है तो वो सभी चीजों का मूल्य बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सभी चीजें एक जगह से दूसरे जगह जानी है। इसीलिए कहा जाता है कि तेल की कीमतों के बढ़ने का अर्थ होता है कि लगभग सभी चीजों का मूल्य बढ़ जाना, ठीक है, क्योंकि सब इससे जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज है कि अब भाड़ा बढ़ जाए, स्टील का दाम बढ़ जाए, सीमेंट का दाम बढ़ जाए, कोयला का दाम बढ़ जाए, उर्वरक का दाम बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है उनका भी मूल्य बढ़ जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक कारण, जो भी हमने बात किया, बाढ़, सूखा वगैरह, और आयात कीमतों में वृद्धि, तो हम जो भी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वही महंगा हो जाए, ठीक है, तो ये बात। और वैश्विक कारणों से मुद्रा स्फीति, इसमें जो है तेल को हम रख सकते हैं कि तेल या अन्य वस्तुओं के कीमतों में वृद्धि। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अधिकतर जो देश हैं दुनिया में वो तेल इंपोर्ट ही करते हैं। भारत के केस की बात हम करें तो हम तो बहुत बड़े खरीदार हैं कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के, ठीक है। तो अगर क्रूड ऑयल का मूल्य बहुत अधिक बढ़ता है तो हमें केवल एक क्रूड ऑयल के मूल्य से बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलने लगती हैं, ठीक है। अभी तो काफी अच्छा 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 चल रहा है, लगातार मूल्य गिरता जा रहा है, ठीक है। फ्यूचर में तो नेगेटिव में भी चला गया, अभी काफी बड़ी खबर वो बनी थी, ठीक है। तो केवल और केवल जो है तेल का मूल्य बढ़ जाए तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होने की स्थिति हो जाती है, क्योंकि सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। तो ये बातें हमने समझी कि मुद्रा स्फीति किन कारणों से होती है, ठीक है। अब इसी के साथ हम ये समझना चाहते हैं कि इनके कुछ प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, उनको भी हम समझ लें कि क्या टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के, कुछ प्रकार इन्फ्लेशन के बताए गए हैं, ठीक है। तो जैसे 1-3% अगर मुद्रा स्फीति है, ये प्रतिशत में मापी जाती है ना, अगर 100 रुपए केजी की प्याज है मई में और जून में वो 120 केजी हो गया, 120 रुपए केजी, तो हम मानते हैं कि 20% मुद्रा स्फीति हो गई, 20% इन्फ्लेशन हो गया प्रॉपर उस प्याज के मूल्य में, ठीक है। उसी प्रकार से तो अगर 1-3% मुद्रा स्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो इसे हम कहते हैं कि रेंगती या मंद मुद्रा स्फीति, रेंगती या मंद मुद्रा स्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती या मंद मुद्रा स्फीति 1-3%। अब यहां पर एक चीज ये समझ लीजिए कि ये जो इन्फ्लेशन है ये बहुत अधिक हो तब तो बहुत परेशानी होता है गरीबों के लिए खास करके, क्योंकि फिर तो वही होता है कि सखी सैया तो खूब ही कमाता, महंगाई डायन खा जाते। तो पैसा तो वो ठीक ठाक कमा रहा है, उसकी कमाई तो ठीक है, लेकिन बाजार में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है, तो जो भी वो कमा रहा है उससे खरीद बहुत कम पा रहा है, क्योंकि जो वो मुद्रा लेकर के आ रहा है मनी, उसकी परचेसिंग पावर क्या है, बहुत कम हो गई है। मार्केट में महंगाई है यानी इन्फ्लेशन है, ठीक। लेकिन 5-6% विकासशील देशों के लिए, खासकर भारत की बात, 5-6% अगर मुद्रा स्फीति है, 5-6% अगर इन्फ्लेशन है, तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। क्योंकि देखिए, किसी भी इकोनॉमी में डिमांड होना ये अच्छा माना जाता है कि डिमांड है, ठीक है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि डिमांड है ही नहीं, ये तो बहुत बुरी स्थिति है, फिर इकोनॉमी रिसेशन में फंस जाती है, मंदी में फंस जाती है, अभी हम उस पर आएंगे। तो इकोनॉमी में डिमांड है, तो अगर डिमांड होगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और बिजनेस साइकिल चलती रहेगी, डिमांड सप्लाई, ठीक है, ये बिजनेस साइकिल चलती रहेगी। तो इसलिए डिमांड को अच्छा माना गया है कि डिमांड तो होना चाहिए और लगातार चीजें, तो 5-6% इन्फ्लेशन को यह माना गया है
कि ये सस्टेन करने लायक है, ये धारण करने लायक है, अगर इतना है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, ये धारणीय है। तो ये समझ लीजिए कि धारणीय मुद्रा स्फीति क्या है, कि 5 से 6% विकासशील देशों के लिए और 2% विकसित देशों के लिए धारणीय माना जाता है, सस्टेनेबल माना जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन अब जैसे ही इससे ऊपर कहानी गई, जैसे 3 से, अब इसको हटा दें हम, 10 तक समझे हैं कि 8 से 10 ऐसे करके, तो यहां पर तो हमें प्रकार भी समझना है तो वो समझे। तो चलती हुई मुद्रा स्फीति यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन, अब देखिए स्थिति बिगड़ेगी जब मुद्रा स्फीति रेंग रही है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर वो चल रही है और बहुत तेज नहीं चल रही है, यानी 3 से 6-7% तक है, धीरे धीरे ही चल रही है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मुद्रा स्फीति दौड़ना शुरू कर देगी वैसे ही तकलीफ शुरू हो जाएगी, और ये खास करके जो गरीब वर्ग है उसके लिए तो बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है, तो महंगाई खूब बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो बेचारा तो भोजन पर भी उसके प्रश्न उठने लगता है, ठीक। तो 10 से 20% दौड़ती हुई मुद्रा स्फीति है, रनिंग इन्फ्लेशन है, अब ये खतरे की घंटी है। 20 से अगर अधिक हो गया तो ये कूदती हुई मुद्रा स्फीति हो गई, ठीक है, तो अगर ये दौड़ रही है तभी दिक्कत है, कूदने लगेगी तो बहुत अधिक दिक्कत करेगी। और 3 अंकों या अधिक में जब मुद्रा स्फीति होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अति मुद्रा स्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। ये हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी में, जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया, उसके बाद जबरदस्त मुद्रा स्फीति वहां देखने को मिली, और जो डाइच मार्क जर्मनी की मुद्रा थी उसका परचेसिंग पावर इतना डिक्रीज कर गया कि उस डाइच मार्क से लोग सामान खरीदने की बजाय घरों में चूल्हा जला करके खाना बनाना और उसे जला करके आग तापना बेहतर समझने लगे, तो वो पैसा जो है चूल्हा जलाने के काम में आने लगा डाइच मार्क, ठीक है। ये इस तरह की का ये जो है अकेला उदाहरण था अति मुद्रा स्फीति का, हाइपर इन्फ्लेशन का, ठीक है, डाइच मार्क की वैल्यू एकदम खत्म हो गई, लोग उससे आग जला करके तापने लगे, ठीक है। तो ये हुआ, ये पूरी बात हमने समझ ली। तो अब हम फिर से आ जाते हैं जहां से हमने बात की शुरुआत की थी, यानी यहां से, ठीक है। तो अब इसमें हमको बात करना है डिस इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो देखिए इन्फ्लेशन बहुत अधिक हो गया, अब त्राहिमाम मच गया। महंगाई क्या है, महंगाई किसी भी देश में एक बहुत राजनैतिक मुद्दा रहा है। जब से आपने होश संभाला होगा तब से आपने ये जरूर सुना होगा कि इस सरकार में तो महंगाई बहुत अधिक बढ़ गया, अरे महंगाई बहुत हो गई, जीना मुहाल हो गया। और कहीं ना कहीं इसी का कारण रहा कि महंगाई को लेकर के बहुत सारे नए नए गाने भी बनते गए। भारत में तो बहुत जबरदस्त ये राजनीतिक मुद्दा है, कई सरकारें केवल महंगाई के कारण दोबारा नहीं बन पाई। अटल जी की सरकार में प्याज का केवल मूल्य बढ़ गया था और एक गाना उसी समय बन गया कि प्याज अनार हो गई, मतलब अनार ज्यादा उसकी कीमत हो गई ना, प्याज अनार हो गई, और फिर उसके बाद सखी सैया तो खूब ही कमाता, महंगाई डैन खा जाते। तो जब महंगाई अधिक बढ़ जाएगी, 5 से 6% से के लिमिट को क्रॉस कर जाएगा इन्फ्लेशन, तो अब सरकारों पर दबाव होता है कि अब इसे धीरे धीरे क्या किया जाए, कम किया जाए। तो क्या होगा,
तो यह इन्फ्लेशन पर नियंत्रण लगाने की प्रक्रिया है, इसके तहत कीमतों को घटाकर सामान्य स्तर पर लाया जाता है। तो अब सरकारी प्रयास ये होता है कि कीमतों को घटाया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज की का जो वैल्यू बढ़ा है उसे कम किया जाए, यानी महंगाई को कम किया जाए। तो ये क्या है, समय के साथ मुद्रा स्फीति की दर में हो रही गिरावट को अप स्फीति कहते हैं, यानी डिस इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन बहुत अधिक बढ़ गया तो अब प्रयास सरकार करना शुरू करती है। क्या क्या प्रयास कर सकती है सरकार, तो पहली चीज तो यह है कि इकोनॉमी से देखिए, सबसे अच्छा रास्ता तो यह होता है कि आप सप्लाई साइड को मजबूत करिए। अगर डिमांड हो रही है तो सप्लाई साइड को क्या करिए, मजबूत कर दीजिए, सप्लाई को बढ़ा दीजिए, मूल्य अपने आप नीचे आ जाएगा। लेकिन सप्लाई साइड को बढ़ाना एक मुश्किल प्रक्रिया है, तो इसमें सरकार क्या करती है कि इसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा बैलेंस करना चाहती है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी अलग से एक लेक्चर में हमें पढ़ना पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा समय की चीज़ है। लेकिन इतना बस समझ लीजिए कि सरकार ये करेगी कि इकोनॉमी से जो मनी है उसको निकाल लिया जाए, और इकोनॉमी से मनी को निकालने का मतलब है रेपो, रिवर्स रेपो होता है ना। तो मार्केट में जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है, उसको कम कर लीजिए। तो लोगों के पास कम पैसा अगर हो जाएगा तो लोग कम डिमांड करना शुरू करेंगे। इस प्रकार से इसको, चीजों को किया जाता है। ये अलग लेक्चर का विषय है, उसमें हम समझेंगे। तो ये हमने समझ लिया इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन, ठीक है। डिस इन्फ्लेशन एक प्रयास है इन्फ्लेशन पर नियंत्रण लगाने का, ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है, मुद्रा संकुचन या अवस्फीति जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, ठीक। तो ये जो इन्फ्लेशन है उसका ठीक उल्टा डिफ्लेशन है। क्या है ये, मुद्रा स्फीति की विपरीत अवस्था। पहले लाइन में क्या लिखी गई है, मुद्रा स्फीति की विपरीत अवस्था। तो क्या होगा, मुद्रा स्फीति में क्या है कि वह अवस्था जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि और मुद्रा के क्रय शक्ति में गिरावट देखी जाती है। यहीं पर रुक के एक बात जो मैं बताना उस समय भूल गया, वो यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, एक इकोनॉमी के तहत के अंदर कोई एक वस्तु का मूल्य बहुत बढ़ जाए तो उसे संपूर्ण रूप से महंगाई नहीं कह सकते, इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। तो इकोनॉमी में ज्यादातर वस्तु और सेवाओं के मूल्य को बढ़ना चाहिए, ठीक है, और ये प्रक्रिया सतत होनी चाहिए, ठीक है। कि पता चला कि 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए हो गया तो ऐसे नहीं करते, तो ये सतत होना चाहिए, ठीक है। अब ये समझ लिए तो हम फिर से आ जाए। तो यहां क्या लिखा है, वह अवस्था जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि। तो अगर उल्टा हम कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वह अवस्था जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत कमी और मुद्रा के क्रय शक्ति में गिरावट नहीं, मुद्रा के क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हो जाए, मुद्रा के क्रय शक्ति की क्षमता बढ़ने लगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। अब इसे भी यहां जो हमने लिखा था उस प्रकार से समझिए। तो इन्फ्लेशन में क्या है, अधिक मुद्रा कम खरीदारी, अधिक मुद्रा अब कम खरीदारी कर पाएगी, ठीक है, और यहां क्या है, कम मुद्रा अधिक खरीदारी कर पाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि गुड्स एंड सर्विसेस के मूल्य का कम होना और मनी के पर्चेसिंग पावर का बढ़ जाना है, यानी इसे हम कहेंगे कि महंगाई का एकदम कम हो जाना, ठीक है, ये इस प्रकार से, और मनी की वैल्यू का बढ़ जाना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था प्याज का, तो मई में प्याज 100 रुपए, जून में प्याज 120 रुपए, और पता चला कि जुलाई में क्या हो गई, 80 रुपए हो गई। तो अब 100 रुपए की जो नोट है वो मई के मुकाबले और जून के मुकाबले ज्यादा प्याज खरीद पाएगी, तो अब 100 की नोट 1 केजी से ज्यादा प्याज खरीद पाएगी, जबकि मई में वो केवल 1 केजी खरीद सकती थी, जून में तो 1 केजी भी नहीं खरीद सकती थी। लेकिन जून में जब 80 रुपए केजी प्याज होगी तो 100 रुपया अधिक प्याज खरीद पाएगा। तो प्याज के मूल्य में क्या हुआ, कमी हुई, और मुद्रा के मूल्य में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो ये चीज है,
अब देखिए ये जो डिफ्लेशन है इसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमें सिखाया गया है, क्या सिखाया गया, अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, बुरी चीजों की तो छोड़िए, हमें यह सिखाया गया है कि अच्छी चीजों की भी अति नहीं होनी चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि डिफ्लेशन बहुत अच्छी चीज है, क्यों, क्योंकि यहां पर महंगाई बहुत कम है। अब महंगाई कम कैसे होगी या वस्तु और सेवाओं का मूल्य कम कैसे होगा, जाहिर सी बात है कि उसका डिमांड अगर कम होगा, सप्लाई अधिक होगी, तभी मूल्य नीचे जाएगा, ये तो सीधे से समझ में आने वाली बात है। तो अगर किसी इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि उस इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, और किसी इकोनॉमी में डिमांड का ना होना ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो रोजगार जनरेट नहीं होंगे, और रोजगार जनरेट नहीं होगा तो अनइंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, और जो पूरा इकोनॉमी की साइकिल है, जो बिजनेस का साइकिल है, वो क्या होगा, वो ठप होने लगेगा और इकोनॉमी रिसेशन में जाने लगेगी, मंदी में जाने लगेगी। तो ना ही इन्फ्लेशन एक सीमा के बाद ठीक है और ना ही डिफ्लेशन एक सीमा के बाद ठीक है, ठीक है। तो अब अगर ये स्थिति आ गई कि डिमांड ही गायब होने लगी इकोनॉमी से, महंगाई कम होने लगी, तो फिर क्या किया करेगी सरकार, सरकार फिर अब बीच में आएगी और सरकार चाहेगी रिफ्लेशन करना, यानी मुद्रा संस्फीति करना। इसमें क्या होगा, यह डिफ्लेशन के कारण मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास है, यानी डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन के तरफ जाने का यह प्रयास है। तो कैसे सरकार यह करेगी, तो सरकार यह कर सकती है कि मुद्रा का अधिक से अधिक इकोनॉमी में प्रसार करे, लोगों के पास अधिक पैसा पहुंचे ताकि डिमांड जनरेट हो, तो इकोनॉमी में मनी को गवर्नमेंट पंप करेगी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। उसके अलावा क्या करेगी, राजकोषीय उपाय करेगी, तो सरकार सरकारी व्यय में वृद्धि करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, ठीक है। करों में सरकार कमी करेगी और आर्थिक सहायता और अनुदान देना शुरू करेगी, सब्सिडी देना शुरू करेगी, तो बैंक कम ब्याज दर पर ऋण वगैरह देने लगेंगे। इससे क्या होगा कि इससे यह होगा कि इकोनॉमी में पैसा, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचने लगेगा, और जब लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा तो लोग डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो फिर वो कहानी यहां से शुरू हो करके फिर इधर बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो वो डिफ्लेशन से किधर जाने लगेगी, इन्फ्लेशन की तरफ। तो ये जो प्रक्रिया है तीन नंबर की, और ये जो प्रक्रिया है एक नंबर की, ये एक प्रकार से अपने आप होने वाली चीज, और ये दो नंबर की प्रक्रिया और चार नंबर की प्रक्रिया क्या है, सरकारी प्रयास है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, डिफ्लेशन के कारण मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास है रिफ्लेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन आपस में जुड़ा हुआ, और डिफ्लेशन और रिफ्लेशन आपस में जुड़ा हुआ। अब हमको समझना है स्टैगफ्लेशन को, यानी निष्पंदन या मुद्रास्फीति सम मंदी, मुद्रास्फीति सम मंदी। अब यह क्या चीज है उसको समझ लीजिए। तो देखिए, फिलिप का वक्र 1960 के दशक में बहुत फेमस हुआ। ये फिलिप वक्र या कर्व क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति में एक विपरीत संबंध देखा जाता है, बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति में विपरीत संबंध देखा जाता है। क्या कहता है फिलिप्स वक्र, यह कहता है कि जब इकोनॉमी में
कम इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमी में अधिक इन्फ्लेशन होगा तो बेरोजगारी कम होगी, यानी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिक इन्फ्लेशन है यानी अधिक मुद्रा स्फीति है तो बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। और कम मुद्रा स्फीति है तो बेरोजगारी अधिक होगी। ये बात फिलिप्स का वक्र कहता रहा, लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन और एडम फ्लैप्स ने इनकी इस बात को काट दिया और ये कहा कि देखिए जो फिलिप्स कह रहे हैं वो अल्पावधि के लिए ठीक है, कम समय के लिए ठीक है, एक साल दो साल तीन साल के लिए ठीक है, लंबे समय के लिए नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी में है अधिक और इस नाते से बेरोजगारी कम है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो बात ये कहते हैं, ठीक है कि अधिक इन्फ्लेशन का मतलब है कम बेरोजगारी, लेकिन जैसे ही लोग काम करना शुरू करते हैं वैसे ही जब इन्फ्लेशन मार्केट में है, हमें सारी चीजें महंगे ही रेटों पे मिलेंगी, तो हम फिर क्या कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ। और जब हम कहेंगे कि हमारी सैलरी, यानी इंप्लाई जब कहेंगे अपने नियोक्ता से कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो इसलिए हमें हमारी सैलरी बढ़ाओ। और जब ये कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ तो जो नियोक्ता है वो ये सोचेगा कि कैसे कम से कम व्यक्तियों को रखकर हम अधिक से अधिक काम करा लें, यानी वो क्या करेगा कि वो ज्यादा काम कम लोगों से कराने लगेगा, यानी लोगों की छटनी होने लगेगी। ठीक है, तो जहां 1000 लोग काम करने वाले थे अब वो सोचेगा कि 700 लोगों से ही मैं काम चला लूं। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये फिलिप्स का वक्र फेल कर जाता है, और ये कौन बताता है, मिल्टन फ्रीडमैन और एडम फिलिप्स, कि लॉन्ग टर्म में ये चीज सही नहीं है कि इन्फ्लेशन होगा तो बेरोजगारी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि जो अभी इंप्लॉयड हैं वो ज्यादा सैलरी मांगना शुरू करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन से उनको भी लड़ना है, महंगाई में उनको भी सर्वाइव करना है। ठीक है, ये पूरी कहानी समझ में आ गई। तो अब यहां पर आइए, ये क्या कह रहा है कि मंदी और स्फीति का बेमेल गठजोड़। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति कि इकोनॉमी में रिसेशन भी है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी, ये दोनों बात, और यहां पर ये एक साथ नहीं होता है, ये दोनों विपरीत बातें हैं, एक दूसरे से जुड़ी बातें नहीं है, विपरीत बातें हैं, लेकिन फिर भी ये होता है, इसीलिए मैंने यहां लिखा है बेमेल। ये मेल वाला गठजोड़ नहीं है, ये बेमेल गठजोड़ है, ऐसा गठजोड़ नहीं होना चाहिए। तो मंदी और स्फीति का बेमेल गठजोड़ ये क्या कहता है, इसमें मुद्रा स्फीति की दर ऊंची तो इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की दर नीची और बेरोजगारी की दर तीव्र होती है। तो ये जो स्थिति है स्टेगफ्लेशन का, यह भी फिलिप्स के वक्र को क्या करता है, काट देता है। यह क्या कह रहा है कि मुद्रा स्फीति की दर ऊंची होती, इन्फ्लेशन तो हाई है लेकिन बेरोजगारी भी, बेरोजगारी का दर भी हाई है, इसे कम होना चाहिए। ठीक है ना, फिलिप्स यही कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो स्थिति है इसमें बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति दोनों साथ साथ दिखती है। ठीक है, ये स्टेगफ्लेशन में, अब ये किस प्रकार से हुआ, कहां पर हुआ, थोड़ा सा उसको भी हम समझना चाहेंगे और क्यों हुआ। तो देखिए, अमेरिका में 1970 के आसपास ये देखने को मिला और बाद में यूरोप में देखने को मिला। अब उस समय अमेरिका में बेरोजगारी की दर थी 6% और मुद्रा स्फीति की दर थी 7%। बेरोजगारी की दर 6% और मुद्रा स्फीति की दर थी 7%।
और इसका जब कारण खोजा गया कि ये कैसे हो गया तो पता चला कि तेल की कीमतों में जो अचानक से इतनी वृद्धि हो गई थी उसके कारण से ये सारा मामला जो है हुआ, और तेल की कीमतों में वृद्धि ने इकोनॉमी में तीव्र इन्फ्लेशन ला दिया, तीव्र मुद्रा स्फीति ला दी, और इस वजह से ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया, स्टैगफ्लेशन समझ में आ गया, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये पूरी बात हमने कर ली। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।